Hello students, welcome to our class 10th English medium. Last time we discussed chapter number 3, but suddenly आपकी exam आ गई है और exam में chapter number 3 आपको पूरा दिया हुआ है. So हम थोड़े से question ले लेते हैं और last time Nehal sir ने कुछ chapter number 7 आपको पढ़ाया था और कुछ पढ़ाना बाकी है. तो chapter 7 में से भी कुछ question आए हुए हैं. So उतने question जो base IMP base question है, चलिए वो क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं. ठीक है, शुरुआत करते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 3 का है. ये चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन है और ये दो क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 7 में. ओके, फिर फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं. रूही ट्रैवल्स 300 किलोमीटर टू हर नेटिव पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस. यानी कि रूही नाम की कोई एक लड़की है, वो ट्रैवल कर रही है. चलिए तो क्या कह रहे हैं कि वो पार्शली, यानी कि कुछ ट्रैवल कर रहा है ट्रेन में, कुछ ट्रैवल कर रहा है बस में. और कितना किलोमीटर्स कर रहे हैं ट्रैवल्स? ट्रैवल्स का है 300 किलोमीटर टू हर नेटिव, यानी कि उसको उसके नेटिव में जाने के लिए 300 किलोमीटर ट्रैवल करना है. उसमें से कुछ ट्रैवल कर रहा है बाय ट्रेन और कुछ ट्रैवल कर रहा है बाय बस. फिर सी टेक 4 आवर्स, यानी कि वो 4 घंटा ले रही है. इफ सी ट्रैवल्स 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस. चलिए उसने कितना किलोमीटर ट्रैवल करना है? 300 किलोमीटर. उसमें से 60 किलोमीटर उसने ट्रैवल किया बाय ट्रेन, तो बाकी के कितने किलोमीटर बस में ट्रैवल किया होगा? सो 300 माइनस 60 करोगे तो आंसर मिलेगा 240 किलोमीटर. चलिए सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड कंडीशन क्या दी मैंने आपको, और इसके लिए इसको 4 घंटा लगा, 4 आवर्स. नेक्स्ट क्या गिवन है? नेक्स्ट गिवन है कि इफ सी ट्रैवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, यानी कि यहां पर वो 100 किलोमीटर बाय ट्रेन ट्रैवल कर रही है, दैट एंड द रिमेनिंग बाय बस. तो टोटल ट्रैवलिंग 300 किलोमीटर एंड सी ट्रैवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, सो हाउ मनी फ्रॉम बस? 200 किलोमीटर फ्रॉम बस टू ट्रैवल बाय हर. ओके, एंड सी टेक 10 मिनट्स लॉन्गर, यानी कि ये जो ट्रैवलिंग कर रही है उसमें से इसमें जो टाइम लगेगा उसमें से सिर्फ 10 मिनट्स ज्यादा लगने वाला है, यानी कि 4 आवर उसके ऊपर कितनी होगी? 10 मिनट्स, यानी कि 4.25 मैं इसको बोल सकता हूं, 4 आवर्स एंड 10 मिनट्स कितना ट्रैवल का टाइम है. ओके, एंड फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड बस सेपरेटली, यानी कि मुझे बस की भी एवरेज स्पीड फाइंड करनी होगी और ट्रेन की भी एवरेज स्पीड फाइंड करनी होगी. चलिए तो शुरू करते हैं. जो फाइंड करने को बोला है उससे हम एक्स और वाई सपोज करते हैं. चलिए तो सपोज करते हैं कि सपोज क्वेश्चन नंबर 1, सपोज एक्स बी अ एवरेज स्पीड. एक्स यानी कि एक्स है स्पीड का लिमिट क्या होता है? किलोमीटर पर आवर. एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन सपोज कर लिया कि ट्रेन की स्पीड क्या है? एक्स. एंड वाई किलोमीटर पर आवर बी द एवरेज स्पीड ऑफ द बस. चलिए यानी कि ट्रेन के लिए हमने क्या सपोज किया हुआ है? ट्रेन के लिए सपोज किया है हमने एक्स और बस के लिए सपोज किया है वाई.
ओके, इन दोनों सिचुएशन में हमें गिवन क्या है, टाइम गिवन है और कुछ गिवन नहीं है. सो स्पीड का ओमेगा क्या होता है, सो वी नो दैट स्पीड विच इज इक्वल्स टू ट्रैवल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम. डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम होगा स्पीड. चलिए मुझे टाइम गिवन है, इन दोनों मान मिला के 4 hours और इन दोनों को मिला के 4 hours and 10 minutes. सो मैं टाइम को सब्जेक्ट बनाऊ तो मुझे क्या इक्वेशन मिलेगा, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड. ये बनेगा फॉर्मूला. चलिए अब फर्स्ट कंडीशन आप देखो. सो फर्स्ट कंडीशन में क्या गिवन था, वो 60 kilometers बाय ट्रेन. चलिए सो वो ट्रैवल करेगी 60 kilometers, यानी कि डिस्टेंस हमारा कितना होगा 60 kilometers और स्पीड कितनी होगी ट्रेन की x, जो हमने सपोज की हुई है. फिर y, यानी कि अब ट्रैवल करेगी वो बस में वो ट्रैवलिंग करेगी 240 kilometers डिवाइडेड बाय, ये डिस्टेंस मिल गया डिवाइडेड बाय स्पीड, तो वो स्पीड कितनी है उसकी, उसकी एवरेज स्पीड है वाई, क्योंकि बस की हमने सपोज की हुई है वाई. और इन दोनों का कुल मिला के टाइम लगता है 4 hours. ये हुआ फर्स्ट इक्वेशन, क्लियर. चलिए इसमें से 60 कॉमन निकाल रहा है, 60 कॉमन ले लू मैं यहां से, तो यहां पे क्या बचेगा 1/x प्लस 4/y विच इज इक्वल टू 4. 60 को यहां पे ले आओ, सो 1/x प्लस 4/y विच इज इक्वल टू 4/60, ये कट हो जाएगा 15 से, है ना, 15 4 60 होगा. सो 1/x प्लस 4/y विच इज इक्वल टू 1/50, ये मिला आपको फर्स्ट इक्वेशन. चलिए सेकंड इक्वेशन बना दें, सेम सेकंड कंडीशन के लिए, कि वो 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, यानी उसकी स्पीड जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम यहां पे बाय बस 200 किलोमीटर बाय स्पीड वाई, और इन दोनों का एडिशन टोटल टाइम, टोटल टाइम कितना होगा 4 hours and 10 minutes. देखो ये 10 minutes है ना, पहले 10 minutes को हम कन्वर्ट करते हैं आवर्स में, तो क्या हो जाएगा 10 divided by 60, ये क्या मिल गया 10 minutes को कन्वर्ट किया आवर्स में. ओके सो ये एड होगा 4 में, यानी कि 4 plus 10 divided by 60 00 का 1/6, तो ये टाइम लगेगा टोटल 4 plus 1/6. कैसे आया मालूम हुआ, ये सिर्फ हमें रफ में करना है, क्लियर. चलिए अगर आप यहाँ पे 4.10 लिखोगे तो नहीं होगा, इसलिए 4 plus 1/6 ही लेना है, क्योंकि वो 10 मिनट एक्स्ट्रा ले रही है, उसके ऊपर ले रही है. चलिए सो इसमें से 100 कॉमन निकाल लो और यहाँ पे सिंप्लीफाई करो, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, 100 कॉमन ले लिया, सो 1/x प्लस 2/y विच इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, 6 4 24 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6, 100 को यहाँ पे नीचे ले आओ. सो इक्वेशन कैसे बनेगा, इक्वेशन कुछ इस तरह से बनेगा, मैं लिख देता हूँ 1/x प्लस 2/y विच इज इक्वल टू, ये बन जाएगा 25/6 और यहाँ पे 100 नीचे आएगा, सो 25 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 6, ये कट हो जाएगा 4 से, 6 4 24, तो इसकी वैल्यू होगी 1/24. तो ये था आपका इक्वेशन नंबर 2, क्लियर. चलिए अब ये दो इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड या मिनी मेथड, ठीक है. मेरे ख्याल से सबसे इजी मेथड है एलिमिनेशन मेथड. देखो ये इक्वेशन, पहला इक्वेशन 1/x प्लस 4/y विच इज इक्वल टू 1/15, दूसरा इक्वेशन 1/x प्लस 2/y विच इज इक्वल टू 1/24. चलिए तो यहाँ पे ये सेम लग रहा है, सब्ट्रैक्शन ले लो तो कैंसिल हो जाएगी, ये हो जाएगा माइनस माइनस और ये माइनस. चलिए ये तो कट ही हो गए, 1/x कट, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा 4/y माइनस 2/y विच इज इक्वल टू 1/15 माइनस 1/24,
y LCM 4 minus 2 which is equals to 24 yana multiply 15 yana multiply 24 minus 15 divided by 24 into 15 LCM liya simple aur kuch nahi kiya hai ye kya hoga 4 minus 2 ye milega aapko 2 upon y which is equals to 24 minus 15 ye kitna bachega so 15 then 16 17 18 19 20 21 22 23 24 9 bacha hai 9 divided by 24 into 15 dekho ye cancel hoga kis tarah cancel hoga so 5 3 is and 3 3 is 9 5 3 is 15 3 cancel ho jayega yahan pe 3 aur 5 aayega sahi ye yahan pe multiply hoga 24 bhi yahan pe multiply so 2 into 5 into 24 which is equals to ye yahan pe multiply hoga 3 1 okay chaliye simplify karte hain so ye kya ho jayega 10 into 24 which is equals to 3 y 3 y nichele gaya so y is equals to 10 into 24 divided by 3 8 3 is 24 8 into 10 so y is equals to kya mila aapko 8 y kya tha y suppose kiya tha kilometer per hour be a average speed of the bus यानी कि ये क्या मिली आपको बस की एवरेज स्पीड मिली जो 80 किलोमीटर पर आवर है चलिए अभी अभी ये वैल्यू इन दोनों में से कोई भी इक्वेशन में पुट करनी है चलिए मैं फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट कर रहा हूं यानी कि पुट y इक्वल्स टू 80 इन इक्वेशन 1 चलिए इक्वेशन 1 में y इक्वल्स टू 80 पुट कर रहा हूं सो 1 अपॉन x प्लस 4 डिवाइडेड बाय y व्हिच इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 15 therefore 1 upon x plus 4 divided by 80 which is equals to 1 upon 15 ye cancel ho jayega by 20 so ye kya hoga 1 upon x which is equals to 1 upon 15 minus 1 upon 20 isme ek baar aur LCM leta hu so 20 is taraf 15 is taraf cross multiplication aur divide mein dono ka multiplication to yahan pe ho jayega 1 upon x which is equals to 20 minus 50 divided by 20 into 15 ये हो जाएगा so ये मिलेगा आपको 1 upon x which is equals to 5 divided by 20 into 15 clear चलिए ये कैसे हो जाएगा 5 4 जाए 20 and 15 4 जाए क्या होगा 60 so 1 upon x which is equals to 1 upon 60 therefore x which is equals to 60 और x क्या था x था एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन ये x और ये था उसका यूनिट किलोमीटर पर आवर तो ये था आपका पूरा क्वेश्चन क्लियर ओके तो इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है राइट चलो क्वेश्चन है डिवीजन चैप्टर नंबर 7 चैप्टर नंबर 7 है आपका उसमें से ये चैप्टर नंबर 7 में एलसीएम में आपको जितना पढ़ाया उतना उसमें से थोड़ा सा एक पॉइंट कवर करता है कि सपोज कि ये एक लाइन सेगमेंट है इसको बोल देते हैं ए बी ए बी इज अ लाइन सेगमेंट चल अब ये ए बी है सो ये ए बी को मैं आपको डिस्टेंस फॉर्मूला मालूम होगा है ना अभी दूसरा फॉर्मूला है जिसका नाम है सेक्शन फॉर्मूला हम ये डिस्कस कर रहे हैं सेक्शन फॉर्मूला लाइन सेगमेंट एडी ए के आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन है एक्स वन वाई वन बी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है आपको एक्स टू वाई टू अब क्या है अब ऐसा पॉइंट आपको बी फाइंड करना है कि इन दोनों के बीच में हो समवेयर ओवर हियर पॉइंट बी ओके और ये पॉइंट पी आपको फाइंड करना है और ये पॉइंट पी लाइन सेगमेंट ए बी को एम अपॉन एन रेशियो में डिवाइड करेगा देन यानी कि ये पॉइंट आप पी लाइन सेगमेंट ए बी में इंटरनली ले रहे हैं तो इंटरनली पॉइंट के इसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई आपको फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला है पी एक्स वाई विच इज इक्वल टू इसका आंसर क्या होगा पी एक्स वाई ये पॉइंट फाइंड करना है एक्स
यानी कि सबसे पहले इस वाला रेशियो, यहाँ पे रेशियो कौन है, लाइन सेगमेंट के पॉइंट के इस तरफ वाला। सो आपको पॉइंट लेना है ये वाला x2, then प्लस रेशियो इस तरफ का n और इस तरफ का x कोऑर्डिनेट वो होगा क्या, x1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, ये आपका फॉर्मूला x कोऑर्डिनेट के लिए। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट भी सेम, यानी कि m बाय 2 प्लस n बाय 1 अपॉन m प्लस n। सो ये था फॉर्मूला, इस नाम वैल्यू पुट करोगे तो आपको ये पॉइंट t मिलेगा x n y। चलिए उसके बेस पे क्वेश्चन आपके सिलेबस में है कुछ इस तरह से कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स, यानी कि आपको ये लाइन सेगमेंट गिवन है और इसके पॉइंट्स गिवन है आपको 4-3 और ये लाइन सेगमेंट गिवन है इसके पॉइंट है आपका 8-5। क्लियर, ओके। और आपको क्या फाइंड करना है, ये पॉइंट ए फाइंड करना है, ओके। लाइन सेगमेंट और रेशियो क्या गिवन है, रेशियो गिवन है 1:3, यानी कि यहाँ पे m इज इक्वल्स टू 1/5 और यहाँ पे m इज इक्वल्स टू 3/5, यानी कि ये आपको गिवन है 1:3। अगर 3:1 गिवन हो तो ये पॉइंट किस तरह से होगा, ये पॉइंट कुछ इस तरह से होगा, ये द राइट हैंड सेगमेंट, ये है m is equals to 3, यहाँ पर 1, ये पॉइंट भी आपको फाइंड करना है। सिर्फ m और n की चेंज वैल्यू होगी और कुछ चेंज होगा नहीं। चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर उसमें उसमें n की वैल्यू पुट कर दो, m is equals to 1, यहाँ का पोर्शन लिया है तो पॉइंट क्या होगा, इसका x पॉइंट क्या है 8 प्लस यहाँ का रेशियो यानी कि 3, सो इसका x पॉइंट क्या होगा, x पॉइंट है 4 डिवाइडेड बाय 1+3, 1+3 टू इस रेशियो m प्लस n। फर्स्ट सिमिलरली y के लिए 1+3 डिवाइडेड बाय 1+3 1, यानी किस तरफ का रेशियो, तो y पार्ट इसका होगा y, इस तरफ का रेशियो 3 तो इसका y पार्ट होगा -3। फिनिश, इसको सॉल्व करो, जो मिलेगा वो आपका पॉइंट्स 8 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 4, 5 -9 डिवाइडेड बाय 4। चलिए सॉल्व करो तो ये क्या हो जाएगा, 20 डिवाइडेड बाय 4 और ये क्या होगा, -4 डिवाइडेड बाय 4, कैंसल हो जाएगा तो ये बचेगा 5 4 20 और ये 4 4 कैंसल, सो -1। सो ये हो गया आपके कोऑर्डिनेट्स P के, यानी कि ये है पी एक्स वाई विच इज इक्वल्स टू 5 1 5 -1। 5 -1 वो पॉइंट क्या है, वो पॉइंट लाइन सेगमेंट AB को इंटरनली 1:3 रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। क्लियर, सो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। फिर एक क्वेश्चन है कि आपको ये तीन कोऑर्डिनेट्स भी दिए जाते हैं और इन टू कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग जो भी ट्रायंगल बनता है वो ट्रायंगल का आपको एरिया फाइंड करना है। चलिए ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने का बहुत आसान तरीका, डेल्टा विच इज इक्वल्स टू 1/2 बेस इनटू एल्टीट्यूड, ओके। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, बेस इनटू एल्टीट्यूड ट्रायंगल का। फिर दूसरा फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, एवंस फॉर्मूला, उसमें क्या था फॉर्मूला, एवंस फॉर्मूला अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, ये फॉर्मूला था। चलिए दोनों फॉर्मूला में आपको ट्रायंगल में सबसे पहले बेस गिवन होना चाहिए और ये क्या गिवन चाहिए, एल्टीट्यूड गिवन होना चाहिए, एल्टीट्यूड यहाँ पे 90 डिग्री पर होगा। और ये ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए उसमें आपको ये सब कुछ, ट्रायंगल भी है बी सी है, सो ए के अपोजिट ए साइड, बी के अपोजिट बी साइड, सी के अपोजिट सी साइड, यानी कि आपको साइड गिवन है। चलिए बेस भी गिवन है, ये एल्टीट्यूड भी गिवन है, यहाँ पर तीनों साइड गिवन है, पर यहाँ पे आपको क्या गिवन होगा, यहाँ पे आपको गिवन होगा कोई भी ट्रायंगल के, सपोज कि ए बी एंड सी ट्रायंगल है, इसके आपको कोऑर्डिनेट पॉइंट गिवन होंगे, ये होगा x1 x2, ये होगा
x1 y1 सॉरी ये होगा x1 y1, ये होगा x2 y2 और ये होगा x3 y3 ओके। और इसका हमें एरिया फाइंड करना है, तो उसका एरिया फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है और वो फॉर्मूला कुछ इस तरह से है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी विच इज इक्वल्स टू वन हाफ, वन हाफ। देखो ये बहुत ही आसान फॉर्मूला है, कभी भी लिखने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले एक्स लिखो, देन वाई माइनस वाई, ओके। मैं यहां पर बड़ा लंबा फॉर्मूला है तो यहां पर ऊपर लिखता हूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी विच इज इक्वल टू, ये होगा वन हाफ इंटू एक्स के अंदर वाई माइनस वाई प्लस एक्स के अंदर वाई माइनस वाई प्लस एक्स के अंदर वाई माइनस वाई और ये फिनिश। सर ये क्या किया, वाई माइनस वाई तो जीरो हो जाएगा, सब्र रखो। x इज इक्वल्स टू यहाँ पर x1 यानी कि ये पहला पॉइंट और यहाँ पे होगा y2 माइनस y3 y2 3, फिर शुरुआत करो 2 से 2 3 1 यानी कि y3 माइनस y1, फिर शुरुआत करेंगे हम 3 से, सो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 2 क्लियर। अब आपको कोई भी कोऑर्डिनेट्स पॉइंट दिए जाए और बोला जाए कि आप इसका एरिया फाइंड करो, तो सपोज कर रहे थे कि हमारे पास पॉइंट्स है, एनी पॉइंट्स, यहां पर वन वन ले लो ओके, फिर यहां तक ले लेंगे वन जीरो और यहां पर ले लेंगे एनी पॉइंट्स टू थ्री ओके। ये हमने पॉइंट ले लिए तीनों के तीनों और ये तीनों के तीनों पॉइंट का हमें फाइंड करना है एरिया, तो ये फॉर्मूला पुट कर दो और उसमें वैल्यू पुट करनी है, सो 1 बाई टू एक्स वन, एक्स वन यानी कि ये फर्स्ट, अगर ये पॉइंट किया है एक्स वन तो ये क्या होगा उसके एक्स टू वाई टू और ये क्या होगा एक्स थ्री वाई थ्री, यानी कि इसके वाई का क्या लेना है मुझे सब्ट्रैक्शन, यानी कि जीरो माइनस थ्री, ये होगा जीरो माइनस थ्री प्लस एक्स टू यानी कि अब यहां पर वन, फिर ये लिया तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन यानी कि थ्री माइनस वन, थ्री माइनस वन प्लस एक्स थ्री, एक्स थ्री मीन्स यहां पर बोला ये टू टू इंटू वाई वन माइनस वाई टू, वाई वन यहां पर था वाई टू यहां पर था, ये होगा वन माइनस जीरो डन। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, जो मिलेगा वो आपका एरिया वन बाई टू, ये इसका आंसर होगा माइनस थ्री प्लस इसका आंसर होगा टू और इसका आंसर होगा टू वन जा टू ओके। सो ये क्या होगा फोर माइनस थ्री कितना बचेगा, ये वन बचेगा, सो आंसर होगा आपका वन बाई टू ओके। तो ये था आपका आंसर, कभी 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 अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू कभी कभी माइनस भी हो सकती है पॉसिबिलिटी, अगर ये माइनस हो तो कभी भी हमारा एरिया माइनस नहीं होगा, तो जो भी आंसर आएगा उसका हम क्या फाइंड करेंगे मॉड्यूलस लेके उसकी वैल्यू पॉजिटिव कर लेंगे। सो ये था आपका एरिया, एरिया फाइंड करने का कोई भी ट्राइंगल आपको सिर्फ ये पॉइंट गिवन होंगे इसके ए बी और सी, ए बी सी की वैल्यू आपको डिफरेंट डिफरेंट दी जाएगी और आपको उसका ये फॉर्मूला बेस्ड पे उसका एरिया फाइंड करना है ओके। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही।